الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا رحمة للعالمين حاضرین گرامی وقار آج کی اس مبارک گھڑی میں کہ جس میں جمیع مسلمانان عالم اکٹھے ہو کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس کے گھر کو آباد کرتے ہیں قرآن و سنت کو سنتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں تو یہ دن جو ہے وہ ابتدا سے انتہا تک خیر ہی خیر ہے ہمارا جو موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا ہے یہ آیت کریمہ اس کا حصہ میں نے پچھلی نشست میں بھی تلاوت کیا تھا لیکن اس پر بات نہیں ہو سکی رب العزت نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے آباؤ اجداد اور تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج یعنی جو جوڑے ہیں خاوندوں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے خاوند وعشیرتکم اور تمہارے دیگر تمام رشتہ دار وہ اموال اقترفتموها اور وہ جو تم نے مال اکٹھے کر رکھے ہیں دولت اکٹھی کر رکھی ہے وَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت کے جس کے خسارے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو تمہاری خوبصورت مکانات احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیل کہا اگر یہ سب چیزیں جو بھی گنوائی ہیں اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں یہ چیزیں یعنی مال اولاد آبا و اجداد بہن بھائی جتنے بھی رشتہ داری ہیں
उस रिश्तेदारी में आने वाले जितने रिश्तेदार हैं, ये सब तुम्हारी तजारत, तुम्हारे घर और तुम्हारे माल, अगर ये सब चीजें अहब्बु इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिह, अगर अल्लाह और उसके रसूल से तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, वह जिहादिन फी सबीली, और अगर अल्लाह के राह में जिहाद से ज्यादा तुम्हें ये महबूब है, तो अल्लाह ने कहा फतरब्बसू, फिर जरा ठहर जाओ, जरा इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह ताला अपने अमर को लेकर आए, अपना फैसला सुनाए, अल्लाह के फैसले के सुनाने तक तुम फिर इंतजार में लगे रहो। इसका मतलब यह है कि वो लोग कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल या उसके रास्ते में जिहाद करने की जो एक खसूसियत है और एक कमाल है, अगर इन चीजों की मोहब्बत कम है और रिश्तेदारों की कीमत ज्यादा है, आज अजदाद और आबा की मोहब्बत ज्यादा है, औलाद की मोहब्बत ज्यादा है, अजवाज की मोहब्बत ज्यादा है, आशीर की मोहब्बत ज्यादा है, और अगर तिजारत की मोहब्बत ज्यादा है, तो फिर अल्लाह का अजाब आकर रहेगा और फैसला जरूर होगा, और वो फैसला जब हो जाएगा तो फिर हमारा वो मोहब्बत करना, वो चाहत में रहना उन चीजों से जिसका अल्लाह ने यहां जिक्र किया, उस वक्त पता चलेगा कि इनकी कदर क्या है, इनकी कीमत क्या है। तो अब अगर अल्लाह की हिकमत को देखा जाए तो ये एक मुसल्लमा उसूल है, जो इसको ना माने वो ईमान से खारिज है, कि अल्लाह हकीम है, उसका कोई फेल और उसका कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं होता। और जब उस जात ने इतनी सारी चीजों का जिक्र किया तो पता चला इन चीजों से मोहब्बत होती है। याद रखो, अगर इन चीजों से मोहब्बत ना होती तो फिर यहां इसके जिक्र करने का कोई जवाब ही नहीं था। इनसे मोहब्बत होती है, बताओ तुम्हें अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है? बोलते नहीं है ना, अपने माँ बाप से मोहब्बत है? तो इसके मतलब अल्लाह ने जो यहां जिक्र किया तो आपको मोहब्बत है, तो जिक्र किया है। फिर इसी तरह आपको अपने भाइयों से भी मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत होती है, इसलिए तो रोते हो जब वो दुनिया से जाता है, चाहे नाराज हो उससे, लेकिन जब दुनिया से जाते हैं आंखों से आंसू गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? कि वो मोहब्बत है, वो ताल्लुक। फिर अपने अजवाज, जोज कहते हैं जोड़े को, ठीक है, जोज का मतलब खामंद नहीं होता, हमारे आम तौर पर जोज और जोजा कह देते हैं। जोज जोड़ा होता है मर्द के लिए औरत जोज है, और औरत के लिए मर्द जोज है, समझ में आ रही? ये को जोज और जोजा हमने अपनी तरफ से बना दिया है, ये जोड़ा होता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में ये जो जमीन आसमान है ये भी जोज है, ये भी एक जोड़ा है, रात और दिन भी एक जोज है, ये जोड़े होते हैं जो अल्लाह ताला ने कायम कर रखे हैं। तो इसी तरह अगर आपको अपने अजवाज से मोहब्बत होती है, फितरी चीज है, अपने रिश्तेदारों से भी मोहब्बत होती है, और उसके बाद अपने कारोबार से तो आपको इतनी मोहब्बत होती है कि दो मिनट अगर जुमा लेट हो जाए तो फिर परेशान हो जाते हैं आप, इसलिए कि कारोबार को निभाना जरूरी है, जिंदगी गुजारना जरूरी है, वक्त पर पहुंचना जरूरी है, उसके साथ भी आपका कोई गहरा ताल्लुक है। फिर आपका जो माल जो आपने कमा लिया है, जो आपके बैलेंस में आ चुका है, उसके साथ भी आपकी मोहब्बत होती है। मुझे बताओ, जब कोई आदमी के लाख दो लाख गुम हो जाए तो बताओ वो आदमी आधा पागल नहीं हो जाता? क्योंकि वो इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, वो जो उसने कमाओ कहता है इतना अरसा मैंने कमाया चला गया, ये मोहब्बत है कि नहीं उसके माल के साथ? परेशान है, रिपोर्ट लिखवाई जाती है, अगर रिपोर्ट लिखवाई जाती है इसका मतलब आपको उसकी, आपके दिल में उसकी छह की कोई कदर है, उस माल को आप कुछ समझते हैं। और इसके बाद वह मसाकिन तरदौनहा, और वो घर जिसमें आप रहते हैं, जिसमें रहना पसंद करते हैं,
बताओ अपने घर से भी मोहब्बत होती है कि नहीं? अपने घर से मोहब्बत होती है, उसके दरवाजे से भी मोहब्बत होती है। खराब हो जाए तो ठीक कराना पड़ता है, उसके अंदर जो चीज है अगर उसमें कोई खराबी आ जाए उसको भी ठीक कराना होता है। आपके घर में जो जो सहूलत है अगर उसमें से कोई सहूलत कम होती है आप फौरन उसको ठीक करते हैं। ये है मसाकिन की मोहब्बत। मसाकिन कहते हैं मस्कन की जमा है मसाकिन, और मस्कन कहते हैं ठहरने की जगह को। मस्कन कैसे कहते हैं? ठहरने की जगह को। तो जहां आदमी ठहरता है उसका मस्कन है। तो आपको इन चीजों से मोहब्बत है इसलिए अल्लाह ने इनका जिक्र किया, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि इनसे मोहब्बत ना करो। ये नहीं फरमाया कि अजवाज की मोहब्बत खत्म कर दो, मां बाप से मोहब्बत खत्म कर दो, औलादों से मोहब्बत खत्म कर दो, रिश्तेदारी के ताल्लुक को खत्म कर दो, ये नहीं फरमाया। और ना ये फरमाया कि माल की मोहब्बत को खत्म कर दो, ना ये फरमाया कि तिजारत को खत्म कर दो, ना ये फरमाया कि तुम अपने घरों के साथ जो तुम्हारा ताल्लुक और मोहब्बत है उसको खत्म कर दो। नहीं, बल्कि फरमाया अहब्बो। अहब्बो का मतलब यह कि मोहब्बत उनके साथ भी हो, मोहब्बत अल्लाह के साथ भी हो, रसूल के साथ भी हो, लेकिन अहब्बो का मतलब यह है कि उनके मुकाबले में अगर मोहब्बत हो तो ये मकानात की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, अमवाल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, अजवाज की मोहब्बत और रिश्तेदारों की मोहब्बत, इनमें और खुदा की मोहब्बत में जब मुकाबला किया जाए, जब इनके दरमियान तवाज़ुन कायम किया जाए और इनके माबैन जब निस्बत कायम की जाए, तो मोमिन वो होता है जिसकी मोहब्बत माल के मुकाबले में, दौलत के मुकाबले में, तिजारत के मुकाबले में, रिश्तेदारी के मुकाबले में, औलाद और अजवाज आबाव अजदाद के मुकाबले में वो सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करता है तो पहले खुदा से करता है फिर मुस्तफा से किया करता है। ये मोमिन की शान है। अगर उसकी मोहब्बत अगर खुदा से ज्यादा नहीं, अगर नबी के साथ ज्यादा नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह के साथ ज्यादा नहीं और इन चीजों के साथ मोहब्बत ज्यादा है, तो फिर फरमाया फतरब्बसु हत्ता याती अल्लाह बिअम्रही, फिर अल्लाह अजाब इलाही का इंतजार करो। जिसकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ इन चीजों के मुकाबले में कम है तो फिर वो इंतजार करे। अब आप खुद बताएं, आप मुझे खुद बताएं कि ये जिन चीजों को अल्लाह ताला ने गिनवाया है हमें इनके साथ मोहब्बत है कि नहीं? है। लेकिन मैंने पहले कहा अल्लाह ने ये नहीं कहा मोहब्बत ना करो, लेकिन आप ये भी बताएं, ये तो चलो हमारे आमाल में नक्स जरूर हो सकता है लेकिन ईमान अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने बैठे हैं सबका बेहतरीन ईमान है। वो ये है कि ये सारी चीजें एक तरफ और खुदा और मुस्तफा की मोहब्बत एक तरफ, ये आप सबका ईमान है और इसमें कोई शक की मुझे जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कोई आदमी ऐसा जुर्रत नहीं कर सकता इस हाल में खड़े होकर कि नहीं मुझे मेरा बिजनेस जो है अल्लाह से ज्यादा महबूब है। कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे माल, मेरी औलाद, मेरी अजवाज जो है, मेरे रिश्तेदार मुझे अल्लाह या रसूल से ज्यादा महबूब हैं। तो उलमाए किराम ने इस आयत करीमा को हुब्बे रसूल के लिए एक बहुत बड़ी दलील के तौर पर अखज किया है। अल्लाह की मोहब्बत का तस्वुर तकरीबन हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के साथ अपने नबी की मोहब्बत को साथ रखा। अल्लाह की मोहब्बत नबी की मोहब्बत के साथ साथ चल रही है। जिसने अल्लाह के साथ मोहब्बत का दावा किया और नबी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया वो भी फतरब्बसु के हुक्म में शामिल है। इंतजार करे वो आदमी भी कि जो खुदा के साथ मोहब्बत का दावा तो करता है लेकिन उसके रसूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। और रसूल के साथ मोहब्बत, याद रखो मोहब्बत में अजमत होती है। जिसके साथ आपको मोहब्बत होती है उसके अंदर आपको सिर्फ कमाल ही कमाल नजर आता है, उसके अंदर आपको हुस्न और जमाल ही नजर आता है,
उसके अंदर आपको मौजज़ात ही मौजज़ात नजर आते हैं, उसमें नक्स नजर नहीं आता, उसमें ऐब नजर नहीं आता, उसमें कमी नजर नहीं आती, उसमें खामी नजर नहीं आती। जिसके साथ मोहब्बत हो जाए आदमी हमेशा उसके कमालात पर ही नजर रखता है, और हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें तो नक्स खुदा ने रखा ही नहीं है, अल्लाह ताला ने बेऐब बनाया है। मेरे नबी की कौन सी शय है जिसमें ऐब है? अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐब होता अब मैं काबिले गौर बात करने लगा हूं, अगर आपकी जिंदगी में ऐब का शायबा होता, आपकी जिंदगी में कोई दाग होता, अगर आपकी सीरत में कोई मनफी अमल होता, अगर आपके किरदार में हमें कोई काबिले एतराज शय मिलती, तो याद रखो ये अकीदे की बात है कि रसूल आजम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमा आताकुम रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अनहु फंतहु। मा कलमा आम है, मा आताकुम रसूल, मा कलमा आम है, जो खुदा ने आयत के शुरू में जिक्र फरमाया मा आताकुम, जो भी तुम्हें रसूल दे, जो भी दे का मतलब वो सुर्ख दे, वो सियाह दे, वो सफेद दे, वो तुम्हें लंबा दे, चौड़ा दे, वो तुम्हें कोई शय बारीक से बारीक दे, बड़ी से बड़ी दे, दिन में दे या रात में दे, उसका ताल्लुक गुफ्तगू से हो, उसका ताल्लुक माल से हो, उसका ताल्लुक तिजारत से हो, उसका ताल्लुक अंदाज़े गुफ्तगू से हो, उसका ताल्लुक उठने बैठने के साथ हो, कहा जो भी रसूल दे दे फखुजू हो उसको ले लो। ये क्या वजह है? कभी कभी देने में आदमी से भूल चूक भी तो हो सकती है, कभी हुक्म देने में बशरी तकाजों के मुताबिक इंसान से भूल चूक भी तो हो सकती है। अगर हम सब कुछ ले लें तो ये भी तो मुमकिन है कि सब कुछ लेने में अच्छी चीजों के साथ साथ, चूंकि इंसान कमजोर है, इंसान बशर है, उससे गुनाह और खता होते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज भी साथ आ जाए जो माशाल्लाह जायज ना हो। अल्लाह ने फरमाया जो दे ले लो, और जो दे ले लो का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि वो उनके हाथ में कोई चीज आपको दे रहे, नहीं, यानी जिस जिस चीज का उन्होंने आपको कहा ना करो उसको करते चले जाओ, खुजू हो उसको ले लो। इतनी बड़ी गारंटी, इतना बड़ा रेफरेंस और इतनी ऑथेंटिक स्टेटमेंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डिग्निटी को जाहिर कर रहा है, आपका जो खूबसूरत हयात के दरीचे हैं उनको रोशन कर रहा है। फरमाया वमा आताकुम रसूलु फखुजू हो, जो वो देते वो ले लो, ये वो जो देते ले लो इस बात की सनद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर जरूर है, इंसान जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी इंसानियत को और आपकी बशरियत को वमा आताकुम रसूल कहकर कमाले अतम दे दिया है कि वो कोई और बशर होगा जिससे कभी कभी खता और गुनाह भी होते हैं, जिसे हमने मोहम्मद बनाया है उसकी जिंदगी की इब्तिदा भी कमाल ही कमाल है, इंतहा भी कमाल ही कमाल नजर आता है, इसलिए कि वो मोहम्मद है, इसलिए कि वो अहमद है, इसलिए कि वो कामिल है, इसलिए कि खुदा ने कहा वो जो कहे तुम मानते चले जाओ। और अगर आप कामिल ना होते, आपके अंदर अगर नफ्स का शायबा होता, तो फिर ये हुजूर के दीवाने, हुजूर के मस्ताने, हुजूर के पीछे चलने वाले, हुजूर की मोहब्बत का दम भरने वाले सहाबा, इनके लिए फिर आपके अमल सुन्नत कैसे होते? ये आप जो करते हैं वो कौम के लिए सुन्नत बनता चला जा रहा है। आज कमाल की बात है कि हुजूर कामिल है, वमा आताकुम रसूल के जुमरे में हुजूर कामिल है, और कामिल ऐसे हैं कि आपकी तरह जो बोले उसे खुदा इबादत का सवाब देता है, जो आपकी तरह पहने खुदा उसे इबादत का सवाब देता है, जो आपकी तरह सोए खुदा उसे इबादत का सवाब देता है, जो आपकी तरह वुजू करे खुदा उसे इबादत का सवाब देता है, जिसके सर पर आप जैसा इमामा हो उसे खुदा सवाब देता है, जो आपकी तरह नालेन पहने खुदा उसे सवाब देता है, जो आपकी सूरत और आपकी सीरत को अपने
ولی کامل بن کر اٹھتا ہے, خدا کا ولی بنتا ہے. پتہ چلا کہ حضور کی زندگی ایسی کامل ہے کہ اللہ نے بھی فرما دی, ایک تو وما اتاکم الرسول ریفرنس ہے, اور دوسرا ریفرنس کیا ہے؟ دوسرا ریفرنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور کی ساری زندگی کو نمونہ بنا دیا, آپ کے لیے سیمپل بنا دیا, آپ کے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا کہ اگر زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو دیکھو. اب مجھے بتاؤ, جس میں اتنے کمالات ہیں کہ اس میں نقص نہیں ہے, اس کا بولنا بھی خدا کو محبوب ہے اس لیے آپ کے لیے سنت ہے, اس کا پہننا بھی خدا کو محبوب ہے اس لیے آپ کے لیے سنت ہے, یہ آپ جو مسواک کرتے ہو, یہ جو وضو میں تین تین بار دھوتے ہو, یہ نمازوں میں جو سبحان ربی العلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہتے ہو, یہ سنت ہے مصطفیٰ نے تو اور کیا, یہ سب کچھ آپ کی سنت ہے, اور آپ کی سنت خدا کو محبوب ہے, اور خدا کو محبوب ہے تو مجھے بتاؤ جو خدا کا محبوب ہو وہ بندوں کا بھی محبوب ہونا چاہیے کہ نہیں, بول. یعنی خدا کی محبت میں تو نقص نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے, اس لیے آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرو اور میرے حبیب سے بھی محبت کرو, اور جس کے اندر اتنے کمالات ہوں وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے, اس سے محبت کی جائے. ہمارا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے, جب تک یہ کلیکشن کرتے ہیں ہمارے منتظمین تو انشاءاللہ میں ایک چیز مزید بیان کر کے تو پھر انشاءاللہ حافظ صاحب اعلانات فرمائیں گے. آپ دیکھیں کہ حضور کے ساتھ محبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت, یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ دل کرے تو آپ کر لیں, دل کرے تو نہ کریں, کوئی اختیار والی چیز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو آپشن دیا گیا ہو, نہیں. اللہ ہیز ناٹ گرانٹڈ اینی آپشن ریگارڈنگ دی لو آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے دیر از نو آپشن. یہاں پر صرف ہر مومن کو یہ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں, کہ میں ہر چیز سے زیادہ خدا کے بعد اگر محبت کرتا ہوں تو وہ حبیب خدا کے ساتھ محبت کرتا ہوں. ہر شے کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایک طرف, اور نبی کے ساتھ جو محبت ہے وہ دوسری طرف. اچھا, صحابہ کرام نے اپنی جانیں حضور کے ایک حکم پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے تھے, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عمر والی روایت بڑی مشہور ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے جو دونوں پہلوؤں میں, ٹھیک ہے, جو میری اپنی جان ہے, ٹھیک ہے, میرے دونوں پہلوؤں میں جو میری اپنی جان ہے, اس کے علاوہ آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. یعنی میری جان کے سوا, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ایکسیپٹ مائی اون سول, میری اپنی جان, ایکسیپٹ مائی اون لائف. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئی لو یو مور دین اینی تھنگ ایلس, ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن جو میری اپنی جان ہے نا اس سے زیادہ نہیں. اب یہ تربیت ہے, یہ کیا ہے؟ تربیت. یہ تربیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب میں وہ جو آپشن کی بات کر رہا تھا یہاں پر سمجھ آئے گیا. نبی پاک نے فرمایا تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا, تمہارا جو ایمان ہے یہ ابھی پرفیکٹ نہیں ہے, ابھی اس میں کمی ہے, تمہارا ایمان ابھی بھی مکمل نہیں ہوا. اے عمر, خلیفہ ثانی, خلافت راشدہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, وہ نو ڈاؤٹ کہ از دی ہیرو آف اسلام, اسلام کے ہیرو ہیں, لیکن ایمان کی تربیت کی جا رہی ہے, چونکہ اعمال مرتب ہوتے ہیں ایمان پر, اعمال کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک ایمان مکمل نہ ہو. فرمایا ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ بات ہے تو اس کے بعد سے
ये जो मोमेंट है इसके बाद से जो मेरी दोनों पहलुओं में जान है उससे भी ज्यादा महबूब आप हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तेरा ईमान भी मुकम्मल हो गया, ईमान भी मुकम्मल हो गया। पता चला कि जाने ईमान, परफेक्शन ऑफ ईमान क्या है, लव ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसा लव जो किसी के साथ ना किया जाए, उस मोहब्बत की जरूरत है। और दोस्तों उसी ये जो हम करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करते हैं, आपकी नात पढ़ते हैं, ये मोहब्बत ही तो। और बताएं आप, इससे हमें और मिलता क्या है, हमारा मकसद क्या है भाई? देखें अगर कुछ और मकसद हो तो वो हासिल होना चाहिए ना। बाज़ लोग कहते हैं ये किधर से आ गया, ये बात नहीं होती, ये अपने अपने अंदाज बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। हाँ, उसूल दीन नहीं बदला करते, असल दीन में तब्दीली नहीं होती। खुदा एक है, रसूल है हमारा, किताब एक है, क्यामत है, तकदीर है, कब्र है, जन्नत है, जहन्नम है, इसमें कोई नो मोर देन वन ऑप्शन, कोई इसमें ऑप्शन है ही नहीं। बस यही ऑप्शन है कि आपने इनको मानना है, और इसमें ना तो ऑप्शन है ना ओपिनियन है, बस ये है ही, हर हाल में है। हर आदमी जन्नत को मानता है, ये उसूल दीन में से इनको मानना जरूरी। लेकिन हुजूर की आमद की खुशी करना, इसके लिए कोई दलील की जरूरत नहीं। इसमें चूंकि दीन के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा, दीन को नुकसान नहीं हो रहा, मोहब्बत का इजहार है। और मकसद क्या है, सिर्फ मोहब्बत का इजहार। इससे हमें क्या मिलता है, आप जानते हैं क्या मिलता है, किसी को क्या मिलता है, नबी पाक की आमद की खुशी मनाना, इससे हमें हुजूर की खुशी मिलती है, अल्लाह की रजा मिलती है। आप सब ऐलान करेंगे, मैं सिर्फ एक ऐलान करूंगा, वो ये कि इसी ये मैंने मौजू जो आपके सामने रखा, इसी के हवाले से गुजारिश है कि आपने टीवी पर देखा होगा, नूर टीवी पर, कि 22 अप्रैल को, इसी महीने की 22 तारीख को, बरोज इतवार, एक अजीम शान यूरोपी, इस यूरोप की दुनिया में सबसे बड़ा इज्तिमा, सबसे बड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि द ग्रैंड मार्च, बहुत बड़ी मार्च होगी पूरी यूरोप की, इस कंट्रीज में, यूके के अंदर, और जिसमें यूरोप से भी लोग आ रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी 22 तारीख के उस मिलादुल नबी के जल्स और जुलूस में शरीक जरूर हों। और उसके लिए ज़ाहिर है यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ी ले जाने का प्रॉब्लम होगा, वहाँ बहुत रश होता है, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, कोचेस का बंदोबस्त हम कर रहे हैं। तो जो भी साहब जाना चाहे आज लाजमी तौर पर हमें बता दें, हम इतवार को यानी 22 अप्रैल को इंशाल्लाह हम यहाँ से सेट ऑफ होंगे बर्मिंघम के लिए। और इसमें ज़ाहिर है 5-7 घंटे का ये पूरा टोटल अरसा लगेगा हमें वहाँ आना जाने में, वहाँ रुकने में। तो जिन अहबाब ने जाना है वो यहाँ हमारे मोहतरम चौधरी कुर्बान साहब हमारे मुंतज़िम हैं, वो मौजूद होंगे, और भी हमारे कमेटी के अहबाब मौजूद होंगे, उनके साथ आप मिलें और मिलकर अपने नाम लिखवाएं, ताकि अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी सीट को बुक किया जाए कोच के अंदर। इंशाल्लाह बरोज इतवार 22 अप्रैल को ये मिलादुल नबी का एक अजीम प्रोग्राम बर्मिंघम में होना के दौरा, इंशाल्लाह उसमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जोक दर जोक तशरीफ लाएंगे और शिरकत करेंगे। मोहतरम हाफिज साहब इंशाल्लाह बकिया ऐलानात करते हैं।